आज हम बिना प्याज, बिना लहसुन वाली आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सावन और कार्तिक के महीने में काफ़ी लोग लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको शुद्ध घी या फिर रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले लेना है, जो भी आप खाते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पर घी को गर्म होने देंगे और साबुत जीरा डाल देंगे आधा चम्मच। जीरा चटकने के बाद उबले हुए आलू और उबले हुए सोयाबीन डाल करके इसको हल्का सा हम भून लेंगे। मैंने आलू को उबाल करके छील करके उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं और सोयाबीन को भी हल्का सा गर्म पानी में उबाल लिया है, हल्का सा नमक डाल करके, और उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था मैंने निचोड़ दिया है। तो इस प्रोसेस को मैंने आपको नहीं दिखाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इस वजह से मैं मेरे इन्ग्रीडियंट्स बता रही हूँ आपको कि आप सावन के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं सावन के महीने में। और यहाँ पर हल्का सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाल करके हम आलू और सोयाबीन को भून लेंगे। तो सावन के महीने में आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो किस तरह से सब्जियां बना सकते हैं, ये मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता रही हूँ और आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने भून लिया आलू और सोयाबीन को, इसको हम निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल, साबुत जीरा, जीरा को आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं सब्ज़ी में थोड़ा जीरा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। और अब टमाटर डाल देंगे, 2 से 3 टमाटर, क्योंकि ग्रेवी हमें इसी से तैयार करनी है, बाकी हमारे पास तो है नहीं ज़्यादा मसाले। हल्दी का पाउडर डालेंगे और इसको हम कुक होने देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब डाला मैंने घिसा हुआ अदरक, और लहसुन का इस्तेमाल हमें करना नहीं है तो अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे जो मसाला है हमारा अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं ग्रेवी, यहाँ पे जो टमाटर है उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। 3 से 4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, जो भी व्रत में चाहे सावन के महीने वगैरह में मैं सब्जी बनाती हूँ तो बाहर वाला मैं इस्तेमाल नहीं करती कि शायद उसमें लहसुन प्याज हो, और जो घर में मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें मैं जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सभी चीज़ों को डाल के इस गर्म मसाला को बनाती हूँ, तो आप इसको खा सकते हैं। अब मैंने डाल दिया इसमें आलू और सोयाबीन और 2 मिनट इसको भून लिया। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और वो ब्लैक एंड वाइट में चला गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी आपको डल दिख रही है, बट सब्ज़ी का जो कलर था बहुत ही प्यारा आया था। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और अब डाल दिया यहाँ पे मैंने जो रॉ वाले गरम मसाले रहते हैं ना, उसको मैंने कूट करके पाउडर बना के उसको भी अलग रखा हुआ है ताकि सब्ज़ी के ऊपर डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे सब्ज़ी में उबाल आना शुरू हो गया है और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने बनाया लेकिन एकदम तरी वाली सब्ज़ी है। अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। तो अगर आप सावन के व्रत में नॉर्मल नमक खाते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेंधा नमक डालिए, कोई भी नमक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को डालने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे ताकि नमक मसालों में अच्छे से घुल जाए। दोबारा से देखिए सब्ज़ी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार है। तो आप इसको सावन के व्रत या फिर कार्तिक के व्रत, किसी भी व्रत में बना करके खा सकते हैं।